हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो ने अतरंगी शो। आज तुम शो शुरू कर रहे हो? हाँ तो क्यों? कपिल कहाँ है? पहले आप ये बताइए सिद्धू जी कहाँ है? मैंने उन्हें गायब कर दिया। तो बस मतलब जादू आप ही को आता है, आप ही गायब कर सकते हैं, मैं जादू नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने भी शो पे सबको गायब कर दिया है। आज यहाँ पे होगा सिर्फ मेरा शो, अतरंगी शो। मैं जादूगर नहीं हूँ असल जिंदगी में, लेकिन मैं एक जादूगर का किरदार निभा रहा हूँ। अब मैं आपके सामने जो होस्ट है हमारे कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा जी, प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। और कुछ बचा कर लो, मैं आता हूं। आ जा। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा चैनल ने कोई नया जादू का शो शुरू कर दिया पाजी को। आ जा। ये तेरे टीआरपी के लिए ही हो रहा सारा कुछ। मैंने एक बात बतानी थी आपको। बताओ। गेट के बाहर ना एक लाल रंग का गमला है, उसके नीचे चाबी रखी रहती है हमारे यहाँ की। हाँ। जब आपका मन करे आके शुरू करके चले जाया करो, उधर रख दिया करो। तो तेरे को कैसे पता? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तेरी चाबियां जिस जिस घर के कहां कहां पड़ी है सब पता है। तूने कितने घर ले रखे हैं, लोखंड वाला से लेके बांद्रा तक इस आदमी के इतने घर हैं। ये जब आया था रेंट पे रहता था, कहीं 100 रुपए का रेंट देता था। 100 रुपए का रेंट मुंबई में कहां होता है बताओ आप? मैंने 300 का दिया है। आप आई भी तो 1960 में थी। मेरी बात सुनो, पहले मुझे लगता था हमारे शो में पाजी की फिल्में आती हैं। हाँ। अब मुझे लगने लगता है इनकी फिल्मों में हमारा शो बीच बीच में आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब अक्षय पाजी आते हैं तो फिर इन्हीं को पता है कि आगे शो का क्या होना है, क्या होना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इजाजत हो तो हम मेरे को स्टार्स को बुलाइए। जी, मेरे को स्टार सारा अली खान को बुलाइए। प्लीज वेलकम गॉर्जियस सारा अली खान। कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना पाजी, आप ही ने कहा था। हेल्दी फ्लर्टिंग, लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग। बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। रोमांटिक म्यूजिक बजा रहा है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है, हमारे शो पे उन्होंने बोला था। और आप बड़ी ही प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट मैं इस तरीके से घुमा के कर रहा हूँ। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बार हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप, कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज। आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी के भी दिवाली पे सूर्यवंशी आई, क्रिसमस पे अतरंगी आ रही है, राखी पे ये रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं। तो क्रिसमस से राखी के बीच में जो मकर संक्रांति होली वगैरह है उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और बीच में एक कौन गिरा? गिलास गिरा आपका? नहीं। गिलास क्यों है? नहीं, उनका पैर टकरा है। वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए जी। तो ऐसे कई फिल्में। वाओ, इस फिल्म में आपका जो गाना है चकाचक बड़ा हिट हो रहा है, वो मुबारक आपको। थैंक यू जी। तो आपको कोई पूछता आप कैसी हैं तो आप क्या बोलती हैं? फाइन चकाचक। अक्षय भाई जी, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे? आपने गन्ने की दुकान देखी है जी? तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं? हाँ, जूस। फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं जी, फिर निकालते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं जी, फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं।
जब तक निचोड़ निचोड़ के निचोड़ निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ, जैसे अक्षय पाजी ये पकड़ के ये कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं, इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टी सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ, ये इतना इनका हिसाब किताब चलता रहता है। आप लोग समझ गए मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ। मेरे पैसों के बारे में इसको पता है सब कुछ, सारा जानता है मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी वो वाली, जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चादर डाल के और उसके सारे पैसे। पता वो गीता में वाणी लिखी होती है उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या उसमें लिखा होता है, जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी बच्चों का सवाल था, वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। एक बात पूछनी है अर्चना जी, आप तो रोज ही आती हैं इस शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है ये ऐसे क्यों बोलता है, बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, है उसका सवाल था, कीकू का सवाल है, मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता। भाई जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो जी हाँ, तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है तो जादूगर बाहर से बुलाते हो कि खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो 15-20 जनों की हो तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे, कितने फंक्शन करता है रोज के। मुझे बता, फिल्में तो 4-5 आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं, कितना कमाता है तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख। सारा हाँ जी, जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। तो आपकी ये पहली फिल्म है, आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुँच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था तो उनकी ज़रूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, जो कि आया। आपको मज़ा आया? आप खुद इतनी शरारती हैं और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं, मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता। नहीं होता। शरारते भी करते रहते थे आप सेट पे? हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा नहीं सर करते थे। क्या करता? मैंने क्या किया तेरे साथ सर? आपने मेरे को लहसुन खिलाया। मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ मिठाई अच्छी के नाम पर, सर आपने बोला प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अखा लहसुन दिया सर। दैट वाज रॉन्ग सर, दैट वाज रॉन्ग। इट वाज, यू फेल्ट बैड? आई फेल्ट सिक। यू फेल्ट सिक लिटिल बिट? स्वेयर ऑन योर करियर यू एट इट? I would have felt sick if I ate it. अक्षय भाई जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए आए थे फिल्मों में, उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? Oh sure, my God. I think ये लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है। हम लोग जब आए थे हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे, 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.